26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाना 2015 से प्रारंभ किया। कल्पना ये है कि हमारी नई पीढ़ी इस संविधान के साथ, उसकी प्रक्रिया के साथ, उसके उम्दा उद्देश्यों के साथ कनेक्ट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ चलता है लेकिन कैसे चलता है पता ही नहीं हो, और ऐसी चीजों का एक निरंतर पुनः स्मरण आवश्यक होता है। और जब मूलभूत तत्वों का बार बार स्मरण करते हैं तो तत्कालीन समय के संदर्भ में करते हैं, जिस विषय का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा, हो सकता है उसी बात का अर्थ 10 साल के बाद अलग रूप में दिखेगा। एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है, लेकिन वो तब होता है जब इन मूलभूत चीजों के साथ हम हर चीज तो कसते रहेंगे, तोलते रहेंगे। हमारे स्कूल कॉलेज के सभी बालकों को संविधान का प्रेम बल कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्याख्या हो। इससे लाभ ये होगा के संविधान के महात्म्य का सामान्य जीवन में एक स्थान बनेगा। बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घटती है कि जिसमें संविधान का उल्लेख बार बार आता है, लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब जब हम संविधान का स्मरण करते हैं हमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का पुण्य स्मरण साथ साथ याद आता है। यानी बाबा साहब और संविधान, संविधान यानी बाबा साहब, बाबा साहब यानी संविधान, ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहब आंबेडकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा था, उनके कालखंड में शायद किसी ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया होगा, लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हुआ है। संविधान समय ऐसा बदला है कि संविधान में से हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है, अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है, और बड़े चतुर लोग संविधान को ही आधार बना करके अधिकार का दुरुपयोग करने की हद तक भी कभी कभी सीमाएं लांघ देते हैं। इससे एक एनार्की पैदा होती है, और बाबा साहब आंबेडकर ग्रामर ऑफ एनार्की की बात करते थे। ये हम सबका दायित्व होता है, नागरिक हो, शासन व्यवस्था हो, सरकार हो, शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न अंग हो, हर एक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर फोर्स है तो हमारा संविधान है। लुब्रिकेशन करने की ताकत भी है तो संविधान में है, रक्षा करने की ताकत है तो भी संविधान में है। और इसलिए इन संविधान के आत्मा के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ धाराओं के साथ जुड़ने से बात चलती नहीं है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
और इसलिए आज उसकी प्रोसेस की जो किताब निकली है वो शायद स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस एक पन्ने को खोलने के लिए शायद हमें काम आ सकता है, तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि देश आजाद हुआ कर्तव्य भावना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के कारण देश का हर नागरिक आजादी का आंदोलन को अपना कर्तव्य मानता था। देश आजाद होने तक कर्तव्य का भाव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था जो बेमिसाल था, और शताब्दी से भी अधिक समय तक वो भाव लोग जीते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद उस ऊंचाई से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तव्य का सारा भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया, और अधिकार हक मेरा क्या, इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रसित कर लिया कि कर्तव्य का लोप होता चला जा रहा है। हम संविधान के माध्यम से कर्तव्य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाएं, देश के सामने चुनौती है, और उस दिशा में इस प्रकार के प्रयत्नों से रास्ते खोजे जा सकते हैं। हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, लेकिन हम न भूले कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है, और इसलिए इस 26 नवंबर का संविधान दिवस के रूप में नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उसका पुण्य स्मरण करते हुए उसकी बारीकियों को जानने का प्रयास, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो करते रहना चाहिए, ऑनलाइन कंपटीशन हो, कभी संविधान पर बालकों के लिए ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, यही चीजें हैं आखिरकार लोगों को इसके साथ जोड़ती हैं।